हे गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे तो हम लोग ये एनबीएफसी का जो सीरीज चल रहा है, तो यहाँ पे ये मेरा थर्ड वाला वीडियो है। सो थर्ड वाला वीडियो या वर्कशॉप 3, किसी भी तरीके से आप इसको बोलो। तो ये वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन और अच्छे एनबीएफसी कंपनीज का, ठीक है। तो उसमें से ऑफकोर्स हर कंपनी का हम लोग बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, देन उनका परफॉर्मेंस क्या है, गाइडेंस क्या है, एंड सारे पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लाइक पेन पेपर लेके बैठो, सो दैट आप एकदम वो पैरामीटर्स को लिख सकते हो, सो दैट गोइंग फॉरवर्ड आगे जाके जब आप ये खुद काम करोगे right, तो आपको पता चलेगा कि लाइक यू नो एक कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट या एनुअल रिपोर्ट या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कॉन कॉल खोलने के बाद किस किस पैरामीटर्स पे आपको फोकस करनी है, ठीक है। तो पहला जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसका नाम है फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। तो ये एक एमएसएमई लेंडर है जो टायर 3 और टायर 6 के सिटीज के बोरोवर्स पे फोकस करते हैं। अब एमएसएमई लेंडर मतलब क्या, जिनका लेट से आज ये दुकानदार है, या फिर फॉर एग्जांपल सोचो कोई अगर कैटल ट्रेडर्स हो, या अगर किसी का अगर कोई साइकिल का दुकान हो, या कोई टायर का कोई दुकान हो, या फिर फॉर एग्जांपल कोई छोटा मोटा कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, इसके लिए ये एक सिंपली एक 100% सिक्योर्ड इनका लोन बुक होता है, ठीक है। मतलब ये लेंडिंग तो एमएसएमईज को कर रहे हैं, लेकिन जिनको भी सोचो आज अगर एक किराने दुकानदार को जो लेट से चिप्स और ये सब सिगरेट्स और ये सब पान वगैरह बेचता है राइट, तो वो जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं वो प्रॉपर्टी आज फाइव स्टार के साथ एज अ कोलैटरल रहता है, ताकि अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो फाइव स्टार उस प्रॉपर्टी को ले सकता है। गॉट इट। सो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस एक उनका जो बुक है, जो एमएसएमई का जो बुक बनाया है उन्होंने, वो पूरा 100% ही ऑलमोस्ट सिक्योर्ड है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ऑफकोर्स आपको समझ में आ रहा है कि लाइक हमारे देश में एमएसएमईज में इतना तगड़ा ग्रोथ है, तो एमएसएमई लेंडर्स के साथ आप बड़े बन सकते हो राइट। जो मैंने मतलब आई गेस पिछले दो दिन से जो भी मैंने वीडियोस बनाया उसमें भी मैंने बताया कि बहुत सारे कंपनीज का कॉन कॉल में भी वो लोग यही बता रहे हैं कि आज हमारे देश में 6 करोड़ के ऊपर एमएसएमई बिजनेसेस है, एंड दे आर एम्प्लॉइंग ओवर नॉर्थ ऑफ 60 करोड़ पीपल यू नो इन इंडिया। सो एमएसएमई हमारा देश का आप बोल सकते हो पूरा हार्ट बीट है। तो इस सेक्टर में जितना भी ग्रोथ आएगा, यू कैन कैप्चर द ग्रोथ बाई एमएसएमई लेंडर्स, जो अच्छे से लेंड करेगा। तो सोचिए ना, आप जिसको लेंड कर रहे हो अगर उनका धंधा बढ़ता गया तो द लेंडर विल आल्सो ग्रो विद द बिजनेस। तो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लाइक जो अगर ये एमएसएमई या माइक्रो फाइनेंस के स्पेस में लेंड करते हैं, वहाँ पे ये वॉल्यूम लेड एक बिजनेस का ग्रोथ आता है, जो मैंने कल भी बहुत बार ये पॉइंट पे फोकस किया है ना। मतलब आपको नया नया ज्योग्राफीज में जाना पड़ेगा, आपको ब्रांचेस खोलना पड़ेगा, और आपका ये ग्रोथ जो आता है वो ब्रांच लेड एक्सपेंशन से आते हैं। तो फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस का अभी FY24 के बाद इनके पास 520 ब्रांचेस है, ठीक है। और इन्होंने इस लास्ट फिस्कल में 150 के आसपास ब्रांचेस खोले राइट, और आगे का फिस्कल में ये जो FY25 अभी चल रहा है इसमें से इन्होंने बोला कि दे विल ओपन 100 मोर ब्रांचेस। तो मोटा मोटी आप देख सकते हो कि ब्रांच एक्सपेंशन रेट 18-20% के आसपास है। तो अगर कोई बिजनेस का ब्रांच एक्सपेंशन रेट 20% होता है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जो AUM का जो ग्रोथ आएगा, मतलब लोन बुक का जो ग्रोथ है, वो जनरली आता है ब्रांच लेड एक्सपेंशन से, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रांचेस खोलोगे उतना ज़्यादा आपका AUM बढ़ेगा ना, ब्रांच पे लोग उतना आपसे पैसा लेंगे। गॉट इट। तो बेसिकली क्या कि जितना आप इंडिया में टायर 3, 4, 5, 6 सिटीज में जाओगे, वहां पे अगर कोई भी अगर बैंक या एनबीएफसी को स्केल अप करनी है तो वो ब्रांच लेड एक्सपेंशन होती है। आप अगर शहरों में स्केल अप करना चाहते हो तो वो टेक लेड एक्सपेंशन हो सकती है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया ना कि जो पूना वाला कर रहे हैं या बजाज फाइनेंस कर रहे हैं, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना सुपर ऐप बनाया और उसमें कस्टमर्स को ऐड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रांच लेड एक्सपेंशन तो हो रहा है फाइव स्टार में, एंड द एक्सपेंशन रेट इज अराउंड 20%। दूसरा चीज, अगर हम इसका रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत तगड़ा नंबर्स आए हैं इनका। इनका लोन बुक ग्रू अराउंड 40% YOY इन FY24/23, और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 40% के आसपास ही बढ़ा। मतलब क्या, ये लोग ग्रो कर रहा है प्रॉफिटेबली और अपने मार्जिन्स को भी धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है। तो मतलब क्या, कंपनी का जो स्प्रेड या मार्जिन हुआ करता था एक साल पहले, वो नंबर भी ऊपर जा रहे हैं। मतलब सोचिए ना, अगर कोई भी, जैसे कल भी मैंने बार बार इस पे फोकस करता हूं कि मुझे लोन बुक का ग्रोथ चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे प्रॉफिटेबली ग्रोथ चाहिए राइट। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि आप लोन बुक को यू ग्रो करते रहो लेकिन उसमें आपका मार्जिन घट गया, या फिर आप लॉस में आप बिजनेसेस को बढ़ा रहे हो, वैसा कंपनीज मुझे नहीं चाहिए। तो यहां पे भी अगर मैं देखूं, इनका NIMS बड़ा है, स्प्रेड बड़ा है, और उसके साथ साथ इनका लोन बुक भी 40% से बड़ा है, ठीक है। सो दैट मीन्स वॉट, दे आर ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस एंड दे आर ग्रोइंग प्रॉफिटेबली एट अ वेरी फास्ट पेस। तो यही मेरा पॉइंट है।
दूसरा चीज ये है कि इनका एसेट क्वालिटी राइट जो वेरी क्रिटिकल है राइट, बिकॉज मुझे ग्रोथ चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और अच्छी एसेट क्वालिटी भी चाहिए, यही तो देखना है राइट। और अगर ये तीनों चीजें इकट्ठा एक मतलब सही दिशा में जा रहा है, मतलब फाइनेंशियल बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, तो इनका जो एसेट क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़ा है। इसका पहला एक मेट्रिक क्या देखना है आपको, कलेक्शन एफिशिएंसी कितना है राइट। कलेक्शन एफिशिएंसी जैसे इस कंपनी का है 99%, ठीक है। तो अगर आपका कलेक्शन एफिशिएंसी 99% है, मतलब आप बोल सकते हो कि गोइंग फॉरवर्ड भी एसेट क्वालिटी अच्छा ही रहेगा। इनका GNPA नंबर भी बहुत स्टेबल है, मतलब इनका ग्रॉस NPA का नंबर भी इंप्रूव्ड ऑन अ YOY एज वेल एज ऑन अ QOQ बेसिस। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनका DPD बकेट्स भी इंप्रूव कर रहा है। DPD बकेट्स मतलब डेज पास्ट ड्यू, सो इनका 30+ DPD, इसका मतलब है कि कितने सारे अकाउंट्स जिनका लेट से एक महीने का इंटरेस्ट नहीं दिया फॉर एग्जाम्पल, वो 30+ DPD में आ जाता है। तो अगर आपका 30+ DPD बकेट्स का परसेंटेज गोज डाउन, ये तो अच्छी बात है ना, है ना, बिकॉज इसका क्या मतलब, मतलब जो इंक्रीमेंटली जो अकाउंट्स आ रहे हैं वो DPD बकेट्स में जा नहीं रहा है राइट। मतलब इनका आगे का मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी और DPD बकेट्स अगर इंप्रूव होगा तो कंपनी आपको घुमा के बता रहा है कि आगे का एसेट क्वालिटी और बेटर होने वाला है राइट। तो इनका जो DPD बकेट्स है 30+ DPD वो कुछ 8% के आसपास है कंपेयर टू 11-11.5% इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर राइट। अब आप बोलोगे कि 8% का DPD बकेट तो बहुत हाई है 30+ DPD, लेकिन आपको यहां देखना पड़ेगा कि 5-star का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, ठीक है। वो ऐसे आप सोचो ना, मतलब सोचो ये जो छोटे छोटे पान वाला सिगरेट शॉप, फिर आप ये जो टायर वाला, फिर ये कैटल ट्रेडर, इनको लेंड करते हैं राइट। तो यहाँ पे ये मत सोचो कि लाइक अच्छा 30+ DPD इसका 8% क्यों है, जबकि लेट से फॉर एग्जांपल कोई अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में है या फिर प्राइम हाउसिंग में है, उसका लेट से 30+ DPD होगा लेट से 2% राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, आपका DPD बकेट्स कहीं पे भी हो, अगर आप इंप्रूव कर रहे हो, मेन चीज है कि आपको देखना पड़ेगा कि इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। अगर इंप्रूव कर रहे हो देन सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ अगर आपका DPD बकेट्स डिटीरियोरेट करता राइट, तब वो बड़ा प्रॉब्लम बनता। लेकिन नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल ही ऐसा है ना, Tier 3 to Tier 6 सिटीज में आप एक MSME लेंडर हो राइट, तो वहां पे तो 30+ DPD बकेट्स आपका हाई होगा राइट। लेकिन 12% था वो नंबर लास्ट ईयर FY23 में, लेकिन FY24 के बाद वो नंबर 8% के आसपास आ गया। दैट क्लियरली शोज दैट द DPD बकेट्स आर इंप्रूविंग, और इसी वजह से एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव किया, और उनका वैसे भी कलेक्शन एफिशिएंसी 99% एट एन एग्रीगेट लेवल। दैट ऑल्सो शोज कि आगे जाके ग्रॉस NPA का नंबर अच्छा ही रहेगा, और मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुन के ऐसा कोई जगह में लगा नहीं कि आगे जाके उनका ग्रोथ या प्रॉफिटेबिलिटी या DPD बकेट्स में कोई मतलब कोई हिंड्रेंस आ सकता है, ठीक है। ये हो गई बात, अब आता है मेन बात राइट के लिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में थोड़ा काम आती है, अगर आप नया नया ट्रैक कर रहे हो, तो आप सिंपली देखो कि रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर कहाँ जा रहा है, ठीक है। पिछले साल द रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर ऑफ 5-star था 14%, अभी वो नंबर बढ़ के हो गया 18%। द कंपनी हैज नेवर सीन एन ROE नंबर ऑफ 18% इन देयर लाइफ, ठीक है। दैट ऑल्सो गोज टू शो के कंपनी कितने तगड़े, मतलब 40% से लोन बुक बढ़ा रहा है और अपना ROE भी 14-18% हो गया, विच इज अमेजिंग राइट। और क्योंकि अगर आपका सारे पैरामीटर्स ठीक रहा ना, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी एंड NIMs एंड स्प्रेड एंड एवरीथिंग राइट, तभी जाके ही आपका ROE का नंबर बढ़ता है राइट। कोई कंपनीज के अगर बाकी सारे पैरामीटर्स खराब हो रहे हैं तो ROE का नंबर बढ़ता नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए कि इनका ROE का नंबर बढ़ते जा रहा है। नाउ व्हाई इज द ROE का नंबर गोइंग अप, बिकॉज देयर इज अ बेसिक फार्मूला, ROE इज इक्वल टू ROA इनटू लेवरेज। लेवरेज का मतलब है डेट टू इक्विटी। तो एक फाइनेंशियल मैं हमेशा चाहता हूं कि अपना लेवरेज रेशियो को बढ़ाए, मतलब डेट टू इक्विटी नंबर को बढ़ाए, बिकॉज वो फाइनेंशियल है। अगर एक फाइनेंशियल लेवरेज नहीं लेगा तो कौन लेगा, है ना। तो अगर आप लेवरेज ले रहे हो और उस लेवरेज को सही तरीके से यूज कर रहे हो तो क्या होता है, आपका ROA का नंबर घटता है और आपका ROE का नंबर धीरे धीरे बढ़ता है, और यही हो रहा है इनका। 5-star का ROA का नंबर आई थिंक 9-9.5% से अभी घट घट के अभी 8% के आसपास हो गया है, लेकिन अपना ROE का नंबर विद इंक्रीज इन लेवरेज 14-18% हो गया, विच इज अमेजिंग एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आपको ये तो देखिए, आगे जाके आप कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज को ट्रैक करोगे, वो लेंडिंग स्पेस में कोई भी हो, बैंक हो या NBFC स्पेस में हो, आपको यही वाला फॉर्मूला को देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड मेरा ROE विद इंक्रीज इन लेवरेज किस तरफ जा रहा है राइट। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है बिजनेस की। और ऑफकोर्स अगर 5-star के बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊं, ये साउथ इंडिया बेस्ड लेंडर है। आज भी उनका 94% ऑफ देयर बुक साउथ इंडिया का 3-4 स्टेट्स में है, लेकिन मैनेजमेंट ने बताया कि अगले 2-3 साल में दे वुड
diversify a bit, 85% of the book रहेगा कुछ South India based और बाकी का 15% ये Central India और North India में होगा. But Five Star Business Finance is predominantly a South India based lender. ठीक है, तो यही है और तो कुछ है नहीं. इनका एक और बात अच्छी लगा मुझे, ये last fiscal का अगर बात करूँ तो इनका growth का guidance था around 30%. ठीक है, मैं loan book का growth का बात कर रहा हूँ. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने guidance को in the middle of that last fiscal इन्होंने बढ़ा के 30 से 35 किया था और इन्होंने deliver कितना किया, 39%. So basically 39% मतलब FY24 का loan book का growth over FY23. मतलब क्या, जो कंपनी अपना guidance बढ़ाता है, जो कंपनी अपने ROE के number को बढ़ा रहा है with increased leverage, जो कंपनी अपने collection efficiency को 99% रख रहा है, मतलब everything is going in the right direction for the company. ठीक है, तो यही है. और of course इनका अगर आप guidance देखोगे तो management वही बोला है कि 30-35% के आसपास FY25 में भी growth आएगा. और जैसे मैंने बताया कि asset quality में कोई hindrance या कोई collection efficiency में कोई hindrance इनको दिख नहीं रहा. ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला कंपनी. दूसरा जो कंपनी है उसका नाम है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण. क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी बहुत अच्छी कंपनी है, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द एंटायर माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस. तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो 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 खास बात यही है कि ये लोगों ने, आप अगर इनका कभी भी हिस्ट्री देखोगे ना, कोविड देखो, डीमोनेटाइजेशन देखो, बिकॉज ये एकदम गांव वालों को लोन देता है, ग्रामीण है वर्ड में. क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का, ग्रामीण मतलब इनका माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करते हैं जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, मतलब गांव के औरतों को एक साथ इकट्ठा करता है और आपका वो इनकम जनरेशन लोन्स देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन, कोविड, कुछ भी हो जाए, मैंने कभी क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को इतने सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के बाद भी कभी लॉस में देखा नहीं. ठीक है, सो इट ऑल्सो शोज के लिए आप एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर, लेकिन आपका कलेक्शन कितना सही है, राइट, आपका कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप कितना सही है, कि बुरे से बुरे टाइम में भी आपका आरओई का नंबर, मतलब एक आरओई का नंबर वॉज मोर देन 0%. बुरे से बुरे टाइम में आपका ईपीएस नेगेटिव नहीं हो गया था. सो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का नंबर्स आर वेरी गुड. ठीक है, तो इनका लोन बुक का ग्रोथ इज 27% YOY इन FY24. अब आप बोलोगे ये लोन बुक का ग्रोथ तो 35-40% नहीं है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इनका लोन बुक का साइज अभी 25,000 करोड़ का हो गया. ठीक है, इनका लोन बुक का साइज 4-5-6-7,000 करोड़ का नहीं है. ठीक है, तो 25,000 करोड़ का लोन बुक में, सो यही तो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण एंड पूना वाला, इन दोनों का ना लोन बुक का साइज अराउंड 25-26,000 करोड़ का है और ये दोनों बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है. तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का यहाँ पे बात करते हैं. चलो पूना वाला का तो आप कल का वीडियो देख लेना. तो यहाँ पे लोन बुक का ग्रोथ इज 27% ऑन अ YOY लेवल. मैनेजमेंट का यहाँ पे गाइडेंस ही है कि अगले साल में भी ये लोग 25% के आसपास का लोन बुक से वो ग्रो कर लेगा, मतलब इनका गाइडेंस भी अच्छा है. तो मैं हमेशा गाइडेंस इसलिए पे इस पे फोकस करता हूँ कि कोई भी कंपनी को सोचिए ना लॉजिकली, अगर उनको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो थोड़ी वो हाई एक गाइडेंस देगा लोन बुक के ग्रोथ में, राइट, वो आइदर गाइडेंस देने से कतराएगा या फिर गाइडेंस को घटाएगा, राइट. तो उसका मतलब ये है ना कि लाइक आगे जाके थिंग्स वोंट बी एज रोजी एज इट इज लेट्स से इन द लेटेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द कंपनी. तो उस तरीके से आप देख सकते हो. तो यहाँ पे क्या है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का, इनका कुछ 2000 के आसपास का ब्रांचेस ऑलरेडी है और इन्होंने लास्ट ईयर में भी कुछ 200 के आसपास ब्रांचेस ऐड किया. सो देयर ब्रांच एक्सपेंशन रेट इज आल्सो एट अराउंड 10%, राइट. एंड अगेन हैविंग सेड दैट, ये है आपका एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, गॉट इट. फाइव स्टार क्या था, MSME लेंडर, गॉट इट, छोटे छोटे बिजनेसेस को लेंड करते हैं और ये क्या करते हैं, गांव के औरतों को मिला के लेंड करते हैं, गॉट इट. तो डिफरेंस समझो, पहला वाला MSME कंपनी था, अभी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है. और अगर ये दोनों कंपनी में समझ गए तो आपको दोनों बिजनेस मॉडल में सेग्रीगेशन भी आपको समझ में आ जाएगा. और जब आप माइक्रो फाइनेंस कर रहे हो तो आपको क्या है, ये कस्टमर्स का क्रेडिट क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, राइट. कोई किसी का लेट से, अब ये गांव के औरतों को अगर लोन दे रहे तो सोचिए, कोई किसी का सिलाई का बिजनेस है, छोटे दुकान का अगर वो चला रही है, तो मतलब क्या, हमें यहाँ पे वॉल्यूम्स में खेलना पड़ेगा. इसीलिए तो इनका ब्रांच के एक्सपेंशन रेट देखना पड़ेगा कौन कौन से नया नया स्टेट्स में ये जा रहा है. सो अभी ये कंपनी क्या कर रहा है, ये लोग इनका जो 3 core states है, ठीक है, अभी ये लोग इन 3 core states के बाहर फोकस कर रहे हैं. सो FY24 में इनका जितना भी कस्टमर्स आया, ऐड हुआ, उसका 44-45% ऑफ दैट बेस अपने नॉन कोर स्टेट से आया. मतलब क्या, ये लोग तगड़े रेट से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और पैन इंडिया एक पूरा कंपनी बन रहा है, ये अच्छी बात है. इनका कस्टमर बेस भी ग्रू 15% ऑन अ YOY बेसिस. ठीक है, तो ये हो गया बात.
अब दूसरे साइड में क्या है कि इनके बिजनेस मॉडल में अभी क्या करें, थोड़ा सा बदलाव ला रहे हैं यहाँ पे। मतलब सोचिए, अगर आप एक गांव के एक 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 लेट से जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में आप यू आर वन ऑफ द 10 विमेन, ठीक है, लेट से 10 औरतों को एक सेंटर में बुला के लोन देते थे, लेकिन आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, ठीक है, आपका कस्टमर बेस बढ़ने गया, लेट से आपका एक दुकान था, अब आप लेट से आपको अभी 2 और 3 और दुकानें खोलना है, आपका डिमांड बहुत तगड़ा है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो फाइनेंस आपका वही, आपको वही छोटा लोन्स देगा ना, राइट। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को समझ में आ गया कि अगर मेरा कस्टमर, अगर मेरा ग्रेजुएटिंग कस्टमर, उसका अगर बिजनेस बड़ा हो रहा है तो मुझे तो उसको बड़ा लोन देना पड़ेगा, मतलब हायर टिकट साइज का लोन देना पड़ेगा ना उसका एस्पिरेशन के अनुसार, वरना वो क्या होगा, कोई बड़े एनबीएफसी के पास चला जाएगा या क्या पता एक स्टेट बैंक के पास चला जाए, है ना, और तो फिर एक अच्छे कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा एक, क्योंकि ये पूरा एक एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा अपना रिटेल फाइनेंस का बिजनेस चालू किया, जहां पे दे आर नाउ गिविंग बिजनेस लोन्स, अफोर्डेबल होम लोन्स एज वेल एज टू व्हीलर लोन्स टू द ग्रेजुएटिंग माइक्रो फाइनेंस कस्टमर। गॉट इट? मतलब क्या, मतलब ये जो होम लोन, टू व्हीलर लोन और बिजनेस लोन, बिजनेस लोन मतलब क्या है, ये बिजनेस लोन इज वेरी सिमिलर टू जो एमएसएमई लोन्स जो 5 स्टार देता है। गॉट इट? इस तरीके से देखो, आप पीयर टू पीयर करके कनेक्ट भी कर सकते हो। तो मतलब क्या, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा टिकट साइज आइटम देना है तो आपको तो बिजनेस लोन या एमएसएमई लोन्स देना पड़ेगा, है ना। जैसे कि 5 स्टार का एक बात आपको बताओ, 5 स्टार जब लोन्स देता है अपने कस्टमर को तो 5-7 साल का उनका एवरेज टेन्योर होता है। गॉट इट? मतलब वो पूरा रहता है उस कंपनी का, मतलब उस कस्टमर के साथ पूरे पीरियड में, सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन नहीं देता है। तो ये भी वही करने का कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन भी देता है, लेकिन क्या है ना कि आपको एक हायर टिकट साइज आइटम लोन देना पड़ेगा, और जितना आप हाई टिकट साइज लोन दोगे उतना आपको तो टेन्योर देना पड़ेगा ना उस कस्टमर को, लेट से उसने 2 और दुकानें खोले, अब 6 महीने में तो यू कांट आस्क फॉर द एंटायर मनी बैक। तो यही करने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज सोचो कितना है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का इतना बड़ा कस्टमर का बेस है, राइट, तो दे कैन आराम से क्रॉस सेल, राइट, के उनका माइक्रो फाइनेंस के ग्रेजुएटिंग जो कस्टमर्स है उनको चुन चुन के उनको टू व्हीलर लोन दो, होम लोन्स दो, एमएसएमई लोन्स दो, बिजनेस लोन्स दो। गॉट इट? दूसरे साइड में, सिंस आपको पता है उस कस्टमर का बैकग्राउंड, सिंस वो अपने साथ आपके साथ 1-2-3-4 साल से काम कर रहा था, राइट, और वो ग्रेजुएटिंग कस्टमर है, तो आप उसको ढंग के रेट से भी दे सकते हो। ऐसा तो नहीं कि बाहर वाले को लेके आपने बिजनेस लोन ले दिया, ठीक है। तो ये लोग क्या किया, ये जो सारे डिविजन्स बनाया, ये सारे डिविजन्स में जो लोन्स का जो यील्ड है, राइट, वो माइक्रो फाइनेंस के जैसा ही यील्ड है इनका। गॉट इट? ताकि क्या है, और ये कस्टमर्स भी इनका जान पहचान वाले लोग हैं, तो इसीलिए क्या है, ये लोग लो रेट पे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ले भी देते। तो इसका मतलब क्या, कस्टमर के पास एक बुके ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो गया, और दूसरे साइड कंपनी को वो नया कस्टमर्स ढूंढो, उसको एक हाई यील्ड में लोन दो, मतलब वो सब झंझट में भी जाना नहीं पड़ा। सो इट्स अ विन विन फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर इट्स कस्टमर्स। तो ठीक है, तो ये हो गया बात, और यही मैनेजमेंट ने और देखिए, मैं ये सब जो बताता हूँ ना, ये जो सारे इनसाइट्स बता रहा हूँ, ये सब कॉन कॉल्स में डिस्कस्ड हुए हैं, आइदर लेटेस्ट कॉन कॉल में या पिछले भी जो मैंने कॉन कॉल्स पढ़े हैं। बिकॉज मैं क्या करता हूँ ना, जब कोई इनसाइट्स बताता हूँ तो बहुत सारे पुराने इनसाइट्स भी लेके मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी कहावत मेरे दिल से, दिमाग से बना, मतलब मैं यूं बना के नहीं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये सारे चीज़ें मैनेजमेंट ने बोला होगा लेटेस्ट कॉन कॉल में, ये पुराने कोई कॉन कॉल्स में, ठीक है। और मेरा काम है कि लाइक सिंस मैं उस कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ, राइट, तो मैं उसको आपके सामने एकदम सजा के सिंपल लैंग्वेज में हूँ, ताकि इट मेक सेंस टू यू, है ना। तो अभी इनका बेस्ट पार्ट यही है कि वो लोग यही बता रहे हैं कि हम लोग लोएस्ट कॉस्ट, मतलब हम लोग एक लो, बिकॉज आप अगर इनका कॉस्ट टू इनकम देखोगे, राइट, मतलब बहुत लो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कंपेयर टू दी अदर एनबीएफसी एमएफआईज। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका निम्स भी एक्सपेंड हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या, नया प्रोडक्ट्स लाने के बाद भी आपका निम्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सो दैट्स ऑल्सो अ गुड साइन। मतलब क्या, निम्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना इज लाइक यू आर ट्राइंग टू ग्रो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, और वही तो हमें चाहिए ना, हमें प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाहिए, स्पेशली इन फाइनेंशियल्स। चलो नॉन फाइनेंशियल में फिर भी हम देख सकते हैं कि चलो मार्केट शेयर गेन करने के लिए आप देख रहे हो, आगे जाके देख लेंगे। फाइनेंशियल्स में भाई ये लॉजिक तो एकदम ही नहीं चलता है, बिकॉज यू आर प्लेइंग ऑन बोरोड मनी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉसेज में मार्केट शेयर कैप्चर ये हो ही नहीं सकता है। और वैसे भी किसी बंदे को जब तुम पैसे दोगे, बोलो कि ये लो पैसा, तो वो तो हाथ फैला के ले ही लेगा ना। तो यहाँ पे मार्केट शेयर गेन, रैंडम पैसा फेंक के, ये इसको मार्केट शेयर गेन नहीं बोलते हैं। सो एनी विच वे, तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैनेजमेंट ने बहुत सही, मतलब मुझे लगता है इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का। तो इनका क्रेडिट कॉस्ट है कुछ 2% के आसपास, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, आगे जाके इनका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा, विच इज अ बैड थिंग, सुन के लग रहा है कि है ना कि आपका क्रेडिट कॉस्ट 2% है, आगे जाके 2.4% के आप गाइडेंस दे रहे हो, लेकिन ये बैड नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, बिकॉज इनका जो नॉन कोर स्टेट्स के जो कस्टमर्स है, ठीक है, वो लोग जब लेट से जब डेलिंक्वेंट बन जाते हैं, लेट से जब वो लोग, मतलब सोचो आपका जो कोर स्टेट में
कोई अगर कस्टमर हो, जैसे कस्टमर ए जो आपके कोर स्टेट से हो, जिसमें आपको कल्चर पता है, स्टेट्स का ज्योग्राफी पता है, सालों से उस स्टेट में आप बिजनेस किए हो, वर्सेस जो नया स्टेट में गए हो वहां पे एक कस्टमर है, ठीक है। अब सोचो कोर स्टेट का एक कस्टमर, नया स्टेट का एक कस्टमर, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, तो इनका रिस्क मेट्रिक मतलब पूरा आपको समझ में आ जाएगा। दोनों कस्टमर ने एक एक ईएमआई मिस किया, ठीक है। अब इसमें ज्यादा प्रोविजन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण कहां करेगा पता है, जो नया स्टेट का कस्टमर है, मतलब अपने कोर स्टेट से ज्यादा। दोनों ने ही लेट से अपना एक माइक्रो फाइनेंस लोन में एक ईएमआई मिस किया, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे प्रोविजन का गैप क्यों नया स्टेट में, बिकॉज क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को एक चीज पता है कि नया स्टेट में उनका एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। तो इसीलिए जब नया स्टेट का कोई कस्टमर एक पर्टिकुलर ईएमआई मिस करते हैं, दे वुड ऑलवेज वॉन्ट टू प्रोवाइड मोर, राइट, फॉर दैट बैड लोन, गॉट इट। दे वुड ऑलवेज वॉन्ट टू प्रोवाइड लोन फॉर दैट 90 प्लस डीपीडी जब हो जाता है, मतलब तीन महीने जब जीएनपीए बन जाएगा उसमें प्रोविजन ज्यादा करेगा देन लेट से कोर स्टेट का अगर कोई कस्टमर लेट से तीन महीने का ईएमआई या चलो एक महीने के ईएमआई नहीं दिया। इससे क्या है, इससे समझ में आता है कि मैनेजमेंट का मतलब क्रेडिट मतलब बिजनेस का जो क्रेडिट मेट्रिक्स है वो बहुत ही प्रूडेंट है। और मुझे अच्छा लगा कॉन कॉल में जब मैनेजमेंट ने ये चीज डिस्कस किया, तो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये ढंग से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, राइट। एंड दिस इज एन अमेजिंग थिंग टू डू, राइट, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट आपको बता रहे कि हम नया स्टेट्स में तो जाना ही पड़ेगा, वरना वॉल्यूम ग्रोथ नहीं होगा तो लोन बुक का ग्रोथ नहीं होगा, राइट, आरओई नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहां पे जाके मैनेजमेंट खुद ही बता रहे, इसमें ये भी बता रहे कि लाइक मैनेजमेंट यहाँ पे स्केल तो कर रहे लेकिन बहुत एरोगेंस के साथ स्केल नहीं कर रहे। वो खुद ही बता रहे कि भाई देखो आगे जाके हमें वो सेट ऑफ कस्टमर्स को भी और भी जानना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पे अगर कोई लेट से एक महीने या तीन महीने की ईएमआई मिस कर दे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे देन दैट सेम महीने का अगर ईएमआई मिस करे इन लेट से कर्नाटका और तमिलनाडु, मतलब जहाँ पे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का कोर स्टेट्स है, ठीक है। तो ये हो गया बात। अब दूसरा सेट यही है कि ये लोग अपने कलेक्शंस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि हम लोग कस्टमर्स को ऑफर करते हैं वीकली कलेक्शंस, मंथली कलेक्शंस, बाई वीकली कलेक्शन या फोर्टनाइट कलेक्शंस में करो, बेस्ड ऑन कस्टमर का जो बिजनेस नेचर है या अपना जो इनकम का नेचर है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, राइट, रादर देन कंपनी डिसाइडिंग के भाई हम तो एक हफ्ते में ही पैसा तुमसे लेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है कोई कस्टमर पे प्रेशर बन सकती है, तो ये भी अच्छी बात है कंपनी का। एंड ऑफकोर्स अगर इनका अटेंडेंस का जो सेंटर है, बिकॉज सोचिए ना यहाँ पे एक मतलब मैं रिस्क नहीं बोलूंगा, लेकिन सोचो अगर आपने हर कस्टमर को वीकली मॉडल पे बोला कि हर हफ्ते में मुझे मेरा इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस गांव के औरत को तो वो कलेक्शन सेंटर में हर हफ्ते आना पड़ेगा, है ना। क्या पता वो औरत कलेक्शन सेंटर उसके घर से 3-4 किलोमीटर दूर हो या 10 किलोमीटर दूर हो, वो बेचारी चल के ना जा पाए, एंड सिंस वो वहां पे जा नहीं पाई, वो बेचारी उसके पास पैसे होने के नाते भी वो पैसा दे नहीं पाई, राइट, और बेचारी हो गई अपना डेलिंक्वेंट कस्टमर या डिफॉल्ट कस्टमर, तो वो भी बुरी बात है। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो हमेशा देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आपके कस्टमर का यहाँ पे मतलब यहाँ पे अटेंडेंस का रेट क्या है इन द कलेक्शन सेंटर, और जितना ज्यादा कलेक्शन सेंटर होगा कस्टमर के घर के आसपास उतना सही है, और जितना आसपास होगा उतना आप वीकली मॉडल कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कलेक्शन सेंटर का डिस्ट्रीब्यूशन उतना सही नहीं है ना, तो आपको मंथली मॉडल में ही रहना पड़ेगा। तो ये एक और इंसाइट है जो मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करूं। चलिए दो कंपनी हो गया, लास्ट कंपनी के बात करते हैं। नाउ वी आर बैक टू एन एमएसएमई लेंडर, उसका नाम है यूग्रो कैपिटल, ठीक है। तो यूग्रो कैपिटल बहुत नई कंपनी है, 5 साल पुरानी कंपनी है, और ये एक एमएसएमई लेंडर है, ठीक है। तो यूग्रो कैपिटल क्या करते हैं, जितना भी ये हमारे देश में एमएसएमई बिजनेसेस है जिनका लेट से साल का टर्नओवर 15 लाख से 15 करोड़ के बीच में होता है, 15 लाख टू 15 करोड़, ये इस कैटेगरी में फोकस करते हैं। और जब ये एमएसएमई को लेंड भी करते हैं, इनका दो डिविजन है, एक होता है छोटे एमएसएमईज को टारगेट करते हैं, ठीक है, मतलब छोटे एमएसएमईज को टारगेट करते हैं और उनको सिक्योर्ड लोन्स देते हैं, ठीक है, और दूसरा अकेले बड़े एमएसएमईज को टारगेट करते हैं। अब आप बोलोगे छोटे एमएसएमईज को टारगेट करते हैं तो टिकट साइज क्या है, वो पकड़ लो आप 15 20 25 लाख का टिकट साइज होते हैं, और जो बड़े एमएसएमईज होते हैं उनका लेट से आप 2-3-4-5 करोड़ तक का आप लोन्स दे सकते हो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन्स हो गया, या चलो आपका अगर एक्सपेंशन प्लान्स भी हो उसके लिए भी ये लोग पैसे देते हैं। अब यहाँ पे यूग्रो कैपिटल का बहुत कुछ हो रहा है। पहले पॉइंट तो ये है कि यूग्रो और फाइव स्टार में डिफरेंस क्या है। चलिए मतलब देखिए मैं इस वीडियो में दोनों एमएसएमई कवर कर रहा हूँ, तो मुझे लगा थोड़ा कंपेयर करके ताकि आपका पी टू पी एनालिसिस भी अच्छे से हो जाए। देखिए फाइव स्टार इज मोर ऑफ अ ब्रांच लेड एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है, फाइव स्टार का फोकस उतना टेक्नोलॉजी पे नहीं है, कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं है।
यूग्रो एकदम प्रॉपरली टेक पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए यूग्रो का पॉइंट यही है कि आज अगर कोई एमएसएमई कस्टमर को क्रेडिट चाहिए तो वो चाहिए आपको टाइमली क्रेडिट, ठीक है। मतलब एमएसएमई प्लेयर्स डूब जाते हैं बिकॉज अगर उनको टाइमली पैसा नहीं मिला तो, अगर लेट से उसको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं मिला या अपने एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए टाइमली क्रेडिट नहीं मिला तो वो क्या पता कल उसका धंधा ही बंद ना हो जाए। तो यूग्रो ने क्या किया, अपने ऐसे एक रिस्क मॉडल, एक उनका एक जीआरओ स्कोर या समथिंग उसने बनाया ताकि अगर कोई उनका एप्लीकेशन आता है वो झट से उसका रिस्क असेसमेंट करके जल्दी उसको पैसा दे, ठीक है, जो लेट से आज बड़े बैंक्स कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इवन बड़े बड़े बैंक्स भी आज यूग्रो के साथ मिल के लैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका हम बोलते हैं ऑफ बुक लैंडिंग। तो एक होता है ऑन बुक लैंडिंग, ऑफ बुक लैंडिंग। डिफरेंस क्या है, ऑन बुक लैंडिंग का मतलब है अगर यूग्रो कैपिटल जो खुद से जो पैसा उठाया उसी को ही लैंड करते हैं, और एक होता है ऑफ बुक लैंडिंग जिसको हम बहुत नाम दे सकते हैं, को लैंडिंग बोल सकते हैं, इवन इसको एक और नाम है, हम इवन उसको सिक्योरिटाइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट। इसका क्या मतलब कि बैंक्स और एनबीएफसीज मिलके लैंड करेगा, बैंक्स के पास है कैपिटल, एनबीएफसीज के पास है रीच एंड टेक्नोलॉजी, गॉट इट, और यूग्रो के पास तो कतई ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों मिलके, अब इससे क्या होता है ना, व्हेन यू डू ऑफ बुक लैंडिंग आपका आपका एक नॉन इंटरेस्ट इनकम का भी कंपोनेंट, फी इनकम भी बढ़ जाता है, बिकॉज क्या होता है आप बैंक सिर्फ पैसा डाल के छोड़ देता है लेकिन यहाँ पे सोर्सिंग, सर्विसिंग, कलेक्शन ये सब कुछ करना पड़ता है वो एनबीएफसी को। तो सिर्फ यूग्रो नहीं, अब आगे भी जाके मैं और भी जो एनबीएफसी को ट्रैक करूंगा, बहुत ऐसी इंडिया में एनबीएफसी है जो ये ऑफ बुक मतलब ये को लेंडिंग पे बहुत तगड़ा फोकस कर रहा है। तो यूग्रो का ये जो ऑफ बुक का पार्ट है 45% ऑफ देयर टोटल बुक है, आगे जाके इसको 50% करने वाला है। आई थिंक एक साल पहले वो नंबर 40% में था, मतलब क्या, और ज्यादा से ज्यादा लेंडर जितने यूग्रो के साथ मतलब आज जुड़ के ये मतलब को लेंडिंग करेगा, मतलब घुमा के आप सब आपको यही बता रहे कि यूग्रो अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो चलिए यूग्रो के बारे में, ये तो चलो बिजनेस मॉडल हो गया, टाइमली क्रेडिट और आपका ये ऑन बुक सॉरी ऑफ बुक लेंडिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इनका लोन बुक, सिंस इनका को लेंडिंग पे बहुत फोकस है ना, ये इनका लोन बुक बहुत तगड़े रेट से ग्रो कर रहे हैं। सोचिए ना, 5 साल में ये लोग 9,000 करोड़ का लोन बुक कर लिया, पिछले साल 6,000 करोड़ था और उससे पहले वाला साल, मैं फिस्कल का बात कर रहा हूँ, वो था 3,000 करोड़, मतलब 2 साल में इनका AUM ट्रिपल, ठीक है। और इनका आगे भी बोलता है कि दे कैन आराम से, मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया कि लाइक दे कैन आराम से ग्रो द लोन बुक एट 30% CAGR फॉर द नेक्स्ट 2-4 years, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट आपको क्या देखना पड़ेगा यूग्रो में, कि इनका आरओई का नंबर किस तरफ जा रहा है ना। तो पिछले साल इनका आरओई का नंबर था 4% और इस साल आरओई का नंबर इज 10%, मतलब अगर आरओई का नंबर सही दिशा में जा रहा है, राइट। देखो अगेन आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट 10% वाला नंबर, अंडरस्टैंड दिस, लेकिन अगर ये 10-15 होता है तो शेयर होल्डर को पैसा बनाएगा, यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ 10 देख के उसको रिजेक्ट नहीं करने का कोई भी कंपनी को, ठीक है। लेकिन अगर ये 10-6 होता है तब ये प्रॉब्लम बनेगा, आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इसीलिए तो बिजनेस ट्रैक करना पड़ता है, वरना कोई भी स्क्रीनर का एक आरओई का नंबर देख लेता और वो पैसा बना लेता शेयर बाजार में, इतना आसान नहीं है। आपको देखना पड़ेगा आरओई किस दिशा में जा रहा है, क्या वो कंपनी अपने मार्जिन को बढ़ा पा रहे कि नहीं, क्या वो मार्जिन प्रोटेक्ट कर पा रहे कि नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दूसरे साइड क्या है, यहाँ पे यूग्रो का मेन फोकस यहाँ पे क्या है, माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स देना, ठीक है। अब पहला पॉइंट, यूग्रो माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के तरह, ठीक है। यूग्रो है आपका एमएसएमई लेंडर, जस्ट लाइक 5-star के तरह, अंडरस्टैंड, ठीक है, कि दोनों में बहुत डिफरेंस है, छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं। लेकिन यूग्रो को समझ में आया कि आगे जाके अगर इनका आरओई को बढ़ानी है, निम्स को और एक्सपैंड करनी है, तो छोटे एमएसएमईस को लेंड करना है देन बड़े एमएसएमईस को। और एक पॉइंट है कि बड़े एमएसएमईस को ऑलरेडी बजाज फाइनेंस और चोला और ये बड़े बड़े बैंक्स तो टारगेट कर ही रहा है, तो इनको ये माइक्रो एंटरप्राइज में ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस भी एक्सपैंड किए जा रहे हैं। तो इनका माइक्रो एंटरप्राइज का ब्रांचेस पिछले साल आई थिंक 150 था, अभी उसको 250 कर दिया, राइट। मतलब क्या, माइक्रो एंटरप्राइजेस में दे आर इंक्रीजिंग ब्रांचेस, जबकि अगर बड़ा एनबीएफसी हो उनके लिए तो ठीक है, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर ही काम में आ जाएगा, ठीक है। सो यूग्रो इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग द लोन बुक विद बोथ ब्रांच एक्सपेंशन एंड टेक एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये है अच्छी वाले पॉइंट है। अब एक यहां पे एक इशू है यूग्रो का, इशू नहीं बोलूंगा, द पॉइंट है, देखिए कोई भी अगर एक कंपनी चालू होता है, ठीक है, अगर एक जैसे यूग्रो 5 साल पहले चालू हुआ था तो अपने प्रोमोटर ने क्या किया था, 4-5 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के साथ चालू किया था। और देखिए अगर आपका लोन बुक को आप मतलब कुछ नहीं था लोन बुक जब चालू किया था,
प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से आई थिंक 800 हजार करोड़ लेके चालू किया था राइट, तो हजार करोड़ से अगर इसको 9000 करोड़ तक जब लेके आया तो सोचो बीच में कितने बार इक्विटी रेस करना पड़ा, रिसेंटली एक और बार इक्विटी रेस किया। लेकिन जितने बार आप इक्विटी रेस करोगे आपका क्या होगा, आपका इक्विटी बेस बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब क्या, आगे जाके मे बी एक साल के बाद आपका प्रॉफिट शायद डबल हो लेकिन शायद आपका ईपीएस ना ग्रो करे। तो इसी पे बहुत एनालिस्ट ने क्या किया, इन पे सवाल किया। तो मैनेजमेंट का जो भी चीज है मैं आपको इनसाइट्स बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि लाइक हमको थोड़ा सा दूर का पिक्चर देखना है, गॉट इट। क्योंकि देखो अगर आज हमने सिर्फ कॉस्ट कटिंग पे आ गया राइट, और तो फिर क्या होगा, शायद हमारे ईपीएस का ग्रोथ देखोगे लेकिन हमारा लोन बुक का वो ग्रोथ होगा नहीं। बिकॉज जितना भी आप क्यूआईपी रेस करोगे, आप लेट्स से वारंट्स इशू करके पैसा रेस करोगे, या आईपीओ में जब ये आया था जब ये पैसा रेस किया ये तो डिसबर्सल पे ही लगाया ना राइट, अपने वर्किंग कैपिटल पे ही लगाया, ज्यादा ब्रांचेस खोला, ये सब जो माइक्रो एंटरप्राइज का नया नया जो ज्योग्राफीज में जा रहा है माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स देने के लिए। और आपको समझना पड़ेगा ये सारे रिटेल लेंडिंग का पार्ट है राइट, एंड रिटेल लेंडिंग में हमेशा खर्चा ज्यादा होता है अपफ्रंट, गॉट इट, देन कॉर्पोरेट लेंडिंग। तो ये जो सारे कंपनीज है ना जो लेट्स से माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जो करते हैं, इनका आप देखोगे खर्चा ज्यादा होता है राइट, खर्चा अपफ्रंट ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट दिखता नहीं है। अब वही तो पॉइंट है ना, इसीलिए तो आपको ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि किस दिशा में जा रहा है राइट। अगर आपका लॉसेस वाइडेंड होते जाता है राइट, और आपका इक्विटी बेस इतना बड़ा बन गया कि आपका आरओई घटने लग गया, देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। लेकिन यूब्रो में लोगों का थोड़ा बहुत डर है इसी वजह से, आई गेस इसी वजह से आप देखोगे स्टॉक भी ना ये सस्ता लगता है कंपेयर टू द बाकी स्टॉक्स। अगर आप फाइव स्टार को देखोगे और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण को देखोगे, या फिर अगर आप पूना वाला को देखोगे, एसबीएफसी को देखोगे, मनी बॉक्स को देखोगे, जो कंपनीज को मैंने कल कवर किया, उनका पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ सिमिलर टू यूब्रो की तरह है, ऊपर नीचे है, बट यू गेट द पॉइंट, सभी 30-35-40% से ग्रो कर रहे हैं ठीक है। लेकिन वो सारे स्टॉक्स का प्राइस टू बुक हाई है, इसका देख के लगता है प्राइस टू बुक तो लेस देन 2 है, सस्ता है। और ऐसे क्यों है इसमें कि इसका 30-40% का लोन बुक का ग्रोथ है, गाइडेंस भी 30% प्लस है लोन बुक का ग्रोथ, एसेट क्वालिटी अच्छा है, और इसका प्राइस टू बुक कम है। इसका बिकॉज इसका ओवरहैंग यही है कि आगे जाके क्या होगा, एक एक करके प्राइवेट इक्विटी प्लेयर निकलेगा, और जब कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर निकलता है ना कोई भी कंपनी से तो उसका स्टॉक में एक ओवरहैंग बनता है। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप लीजिए विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट हियर। आप देखो कि होम फर्स्ट फाइनेंस का भी यही वाला सिचुएशन है। द थिंग दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इज के लाइक जब आप एक नया एनबीएफसी खोलोगे, इनिशियल 10 साल में ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये नेचर ऑफ द बिजनेस है व्हेन यू स्टार्ट, व्हेन यू स्केल अप, अंडरस्टैंड। वरना आप लोग क्या कर रहे हैं ना, 30 साल पुरानी एनबीएफसी के साथ यूग्रो को कंपेयर कर रहे हैं, जबकि ऑन दी अदर एंड में यूग्रो को डिफाइन मतलब डिफेंड भी नहीं कर रहा, अंडरस्टैंड दिस। और वैसे भी मेरा यूग्रो में पोजीशन भी नहीं है ठीक है। तो मेरा कहना है कि मैं जो भी कुछ बता रहा हूं ना, मैं किसी को डिफेंड नहीं करता या मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक एनबीएफसी खोलते हो या आपके जान पहचान वाले कोई ऐसे है जो लेट से एक एनबीएफसी को छोटे से बड़ा बनाने में हेल्प किया है राइट, तो वो भी आपको यही बोलेगा कि इक्विटी बेस हमेशा डायल्यूट होता रहेगा, प्रोमोटर स्टेक सेल करते 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 वो तो नीलामी हो जाएगा ठीक है, और इससे क्या होगा, आरओई का नंबर स्क्वीज्ड रहेगा। लेकिन इससे क्या है, आपका इक्विटी बेस बढ़ेगा तो आप तो लेंड कर पाओगे, नया ज्योग्राफीज में जा पाओगे, दुकानें, और यहां पे दुकानें मतलब आप यहां पे ब्रांचेस खोल पाओगे, और जब आप ब्रांचेस खोल रहे हो तो डिप्रिसिएशन का खर्चा, लीज का खर्चा, सारे एम्प्लॉइज को जो हायर कर रहे हो उसका खर्चा तो आपको अपफ्रंट लेना पड़ेगा है ना। तो आपका इनकम स्टेटमेंट जो Q1 में आएगा उसमें भी आप देखोगे फाइनेंशियल्स का हमेशा Q1 कॉम्प्रेस क्यों रहता है, बिकॉज सारे एम्प्लॉइज को जो हायर करता है वो भी Q1 में होता है, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को जो वो लोग जो ये आप बोलते हो ना कि जब उनको जो हाइक्स वगैरह मिलता है तो वो भी जो खर्चा है वो भी Q1 में मिलता है ना। तो फिर क्या, अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर खर्चा किया तब भी लोगों को प्रॉब्लम है राइट। लेकिन तो यही वाला गेम है, इट्स अ कैट एंड माउस गेम बिटवीन ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिटेबली ग्रोथ चाहिए ठीक है, लेकिन देर विल बी टाइम्स व्हेन लेट्स से द कंपनी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन NIMS। जैसे आपने एंजल वन का भी देखा होगा राइट, एंजल वन मार्केट शेयर कैप्चर करने में इतना लग पड़े ठीक है कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता ही नहीं है, जबकि सेल्स ग्रोथ 65% से है, क्लाइंट एक्विजिशन रेट 50% से है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज ग्रोइंग 25-30% से, मतलब कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, कॉस्ट पे कंट्रोल ही नहीं है, बिकॉज आईपीएल में खर्चा कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो
लेकिन वही वाला पॉइंट है, रीच के लिए करना पड़ेगा, ये नेचर ऑफ द बिजनेस है। तो इसीलिए तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, और एक पॉइंट के बाद ना आप उस स्टॉक में पैसा डालोगे कि नहीं, ये एक बिहेवियरल मतलब एक डिसीजन बनता है। इसमें कोई एक्सेल शीट एनालिसिस नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज तक कोई एक्सेल शीट या पेन पेपर, मतलब ऑफकोर्स ये जो नोट्स बना के मैं उसका समरी करके लिखता हूँ ताकि मैं कोई बड़ा पॉइंट ना मिस कर लूँ, लेकिन इसको छोड़ के मैंने आज तक कोई नोट्स नहीं बनाया। सब चीज़ें दिमाग में चलना चाहिए, और ये सब आपका सब्जेक्टिव डिसीजन है। तो जो आपको एक्सेल दिखा रहा है ना, उसका एक्चुअली दिमाग नहीं चलता है। सो एनी विच वे, तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंड अगेन, सिंस अगर मैं हम थोड़ा यूग्रो का भी थोड़ा वापस आते हैं, तो इनका कॉस्ट टू इनकम भी वेरी हाई है, 54% है, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि आगे जाके द कॉस्ट टू इनकम नंबर विल इंप्रूव टू 45%। अगेन, कॉस्ट पे कंट्रोल क्यों नहीं है, बिकॉज 5-6 साल पुरानी है, स्केल अप कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कॉस्ट पे नो कंट्रोल। और दूसरे साइड में क्या है यूग्रो का, इसका एक बिजनेस मॉडल समझा दूं, इनका 70% ऑफ द बुक इज सिक्योर्ड। 5-star का जैसे था कि पूरा एमएसएमई बुक ही सिक्योर्ड है, इसका 30% क्या करता है, ये अनसिक्योर्ड में रखता है, ताकि इनको थोड़ा सा हायर यील्ड यहाँ पे मिले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, इफ़ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर, अगर आपका क्रेडिट टीम अच्छा है, अगर आप डिसबर्स करने से पहले 10 चीज़ें देखते हो, राइट, सोर्सिंग अच्छा है, कलेक्शन अच्छा है, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सो बिजनेस मॉडल अलग है, ऐसा नहीं कि 100% सिक्योर्ड वाला बुक इज ऑलवेज बेटर देन लेट्स से 70% सिक्योर्ड वाला बुक, ऐसे कभी नहीं सोचना। दोनों मॉडल अलग है, दोनों मॉडल यूनिक है। मैं यहाँ पे 5-star और यूग्रो का बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इस वीडियो में तो इन दोनों को कवर किया। एनीवे, यही हो गया, तो आगे जाके देखना पड़ेगा ग्रोथ और आरओवी का कॉम्बिनेशन, बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी आरओवी से दिखता है, राइट, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, मार्जिन्स देखो, ग्रोथ देखो, एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस तो सबका ही अच्छा है। मुझे तो अच्छा ही लगा कि 5-star का गाइडेंस इज 35%, क्रेडिट एक्सिस का 25%, यूग्रो का तो 30% प्लस फॉर द नेक्स्ट 2-4 ईयर्स, तो अच्छा ही लगा। चलो, इस वीडियो में ऑलरेडी 35 मिनट्स हो गया, यहाँ तक रखते हैं। आई विल कवर द नेक्स्ट 4 कंपनीज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।